Hello beautiful people, hope everybody is doing good. Welcome again, welcome back to the channel, welcome back to another trip. Before we jump into the details about the trip, I just wanted to share some details on the schedule of how we will be posting videos on this channel. So we've decided to move away from editing everything on the weekend and posting it on Sunday. Now the reschedule is basically ki hum pure weekend pe shoot karenge aur next Friday ko release karenge, which gives us some more time to edit, to you know, just perfect the video that we're creating, and hopefully you know it also gives us some time to review before the edits go live. So time ho raha hai almost 6:30 in the morning, and aaj ka hamara plan hai to visit Lakhamandal. Mussoorie se almost 79-80 kilometers hai. Dehradun se agar aa pa rahe ho, you know, depending on where you are coming from, it's around 120-125 kilometers. And agar main Lakhamandal ki baat karu, to as Uttarakhand is known as, you know, land of gods, Lakhamandal also has one famous temple in it, so hum usko explore karenge basically, and all sort of information that surrounds you know ki Lakhamandal ke temple se related, and you know, culture and everything. So we'll try to explore everything about that place today, and hopefully you know, we give you some good views, some good information about the place. So yeah, आज का यही प्लान है, एंड लेट्स स्टार्ट पैकिंग अप, लेट्स स्टार्ट हेडिंग आउट. थोड़े सही कर लेते हैं. सो आइडिया ये है आज कि खासकर अभी कि हम नैनबाग में मे बी ब्रेकफास्ट करेंगे. अगर भूख उससे ज़्यादा लगी तो थोड़ा पहले ही कर लेंगे. फ़िलहाल तो अगर इरफान को तेल भराना है पहले वो भराते हैं. मे बी थोड़ी हवा वगैरह चेक करा लेते हैं अगर कोई शॉप खुल गया तो. यहाँ से जो रास्ता नीचे कटता है वो यमुना ब्रिज जाता है, और वो रास्ता फिर चक्रावता निकलता है. एंड ये जाता है आपका नैनबाग, बड़कोट, लाखामंडल, और यू नो, और जो पीछे के एरियाज हैं. भाई ये कितनी कोजी जगह पे बैठे हैं. ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं नैनबाग, सामने दिख रहा है. नाश्ता करते हैं, थोड़ा भूख लगी है गंदी. खाना हो गया डन,
और हम निकल रहे हैं अब नैनबाग से, मगर थोड़ा सा यहाँ पर भी हमारे साथ स्टोरी हुई है। सो नैनबाग में सिर्फ एक एटीएम है एसबीआई, और वो है बंद, शटर ही डाउन है उसका। एंड हमारे पास एज ऑलवेज कैश नहीं है। हमने सोचा कि यार नैनबाग से निकाल लेंगे या फिर गूगल पे वगैरह चल जाएगा। नो गूगल पे। हमने नाश्ता तो कर लिया मगर गूगल पे था नहीं, एटीएम देखा तो एटीएम बंद, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने आज सबसे नई बात सुनी है कि आधार कार्ड से भी पैसे निकलते हैं। आई डोंट नो, मतलब मैंने कभी निकाले नहीं है लाइफ में। सो मैं वो ट्राई कर रहा था ऑलमोस्ट 20 मिनट तक, मगर वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो फाइनली जो साइबर कैफे वाला बंदा था उसने बोला कि मुझे गूगल पे कर दो। आई वाज लाइक कम ऑन मैन, ये 20 मिनट पहले भी कर सकते थे हम। सो फाइनली उसने फिर हेल्प कर ही दी और हमने पेमेंट करी। अब हम जा रहे हैं लाखा मंडल की ओर। At this place. Whoa. सिर्फ 5 किलोमीटर है। वेदर यहाँ पे और गर्म हो गया है। आई थिंक इट्स क्लोजर टू मे बी 24-25 degrees। सो ये इसका मेन एंट्रेंस है। कितना सही लग रहा है ना ये पत्थर, ये शायद से ठंडा भी रखता है ना। ये कितना सही है यार, ऊपर देना लकड़ी का।
So we are at Laka Mandal's main temple, and you know, we're trying to explore what exactly you know, all the figurines that are supposed to be dug out almost 2000 years ago. So 2000 साल पहले, you know, ये सारी जितनी भी यहाँ पर मूर्तियाँ, जितनी भी चीज़ें निकली हैं, वो सारी खुदाई से ही निकली हैं. सो वरुण शर्मा ये यहीं पर आप पुजारी हैं, तो हम इनका इंटरव्यू लेंगे और यू नो, ये एग्जैक्टली बताएंगे कि हमें कौन सी चीज़ की क्या अहमियत है और कौन सी चीज़, कौन सी मूर्ति और यू नो, सारी चीज़ों के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये इस मंदिर के नंदी है. ऐसे कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण एक नागर शैली में हुआ था. कहते हैं कि नागर शैली की एक राजकुमारी ऐश्वर्या थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके यादगार में इस मंदिर का निर्माण किया गया था. कि ऐसे इस मंदिर का निर्माण एक नागर शैली में हुआ था. जैसे हमारे दादा लोग कहा करते थे कि ये पहले एक जंगल था, तो जंगलों के बीच में एक गाय चूगने आती थी और मंदिर के अंदर चली जाती थी, अपने एक थन से दूध की धार शिवलिंग में डालती थी, अपने आप वो परिक्रमा करके शाम को चली जाती थी. बस जिनकी वो गाय थी वो परेशान हो गया. उसने सोचा कि हमारी गाय कहाँ जाती है, किसी के खेतों कुछ नुकसान तो नहीं करके लाती है. एक बार गाय का पीछा किया, जैसी गाय मंदिर के अंदर गई उसने देखा कि हमारी गाय ने तो एक देवनगर की खोज की. उसी टाइम यहाँ पे तीन काश के पंडित लोग बुलाए गए. इस मंदिर के अंदर चार चार मंथली पूजा होती है. ये पांडव नृत्य औजार है, इसे यहाँ पे पांडव नृत्य किया जाता है. शिवलिंग कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना एक ऐसे शिवलिंग को बोलते कि त्रेता युग की शिवलिंग है. कहते हैं कि जब रामचंद्र भगवान जी एक समुद्र के किनारे में ब्रिज बना रहे थे, तभी से इस शिवलिंग की स्थापना करी गई. कि इस मंदिर का नक्शा ऐसा है जैसे केदारनाथ का मंदिर है, पर मंदिर के अंदर एक ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत. जैसे कोई भी स्त्री हो उसके कभी बच्चे नहीं हो रहे, वो कभी माँ नहीं बन पा रही है. जब यहाँ पे माँ शिवरात्रि होती है, तो शिवरात्रि के टाइम पे मंदिर के अंदर की ज्योत को स्त्री एक रात्रि को बैठ के शिव ज्योति को एक ही रात्रि को देख के वो एक साल के भीतर उत्तम पुत्र को जन्म देती है. इस मंदिर का नक्शा जैसे केदारनाथ का मंदिर है, सेम टू सेम ऐसी है, इसलिए इसको आदि केदार भी कह सकते हैं हम लोग. यहाँ पे पांडव ने 100 लाख शिवलिंग की स्थापना करी, 365 यहाँ पे मंदिर की स्थापना करी गई है. यहाँ पे कहते हैं कि जब पांडव लोगों के लिए एक लाख से ग्रह बनाया था, तो लाख से ग्रस्त तो पांडव लोग बच गए थे. तो भीलनी थी एक बिल्ली, उसके 5 पुत्र एक लाख से ग्रह में घड़े के अंदर पैदा कर रखे थे. यानी लाख से ग्रह कौरों ने पांडव जलाने के लिए बनाया था, जल गए भीलनी के पुत्र थे. तो उन्होंने पांडवों को श्राप दिया था कि जिस स्थान पर आप अज्ञात वास में रहोगे, वहाँ पे आपने 100 लाख शिवलिंग की स्थापना करनी है. तो इसी देवनगरी में उन्होंने 100 लाख शिवलिंग की स्थापना करी, 365 यहाँ पे मंदिर की स्थापना है. ऐसे इस गांव का नाम पहले बोलते थे, इस गांव का नाम पहले मड़ा था. मड़ा का अर्थ हो गया कि हमारे पट्टी में कोई भी आदमी पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता था. तो पीछे दो मंदिर के सामने जो द्वारपाल है, वहाँ पे पहले मरे हुए आदमी की डेड बॉडी रखी जाती थी. कि जो पुजारी होता था गंगा जल या दूध का छिंटा मरे हुए आदमी मारता था, वो थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाता था. ये चीज अब से बंद हुई. कि कहते हैं कि यहाँ पे एक औरत थी, उसका खाली एक ही लड़का था, उसकी डेथ हो गई. तो उसको मरा हुआ एक बार जिंदा हो गया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया के, तभी से पड़ता यहाँ पे बंद होगी कि ये मरा हुआ आदमी जिंदा ना हो जाए फिर से. मंदिर के चारों तरफ गाय के पैरों के खुर के निशान भी है, जिसने इस मंदिर की खोज करी है. इसके हैंड के पूरे चारों तरफ है. 365 मंदिर है. 365 मंदिर है. 100 लाख शिवलिंग की स्थापना. 100 लाख का मतलब हो गया 125,000 1,25,000 शिवलिंग की स्थापना. 125,000 ये इस मंदिर के द्वारपाल है. यानी ये दानव जी है, इसके मस्तक में कसाण की खोपड़ी है. यानी ये राक्षस है, अन्याय के देवता बोलते हैं. यमराज के द्वार में ऐसे पहले पहरेदार होते थे. एक होता था देव, किसी ने अच्छे काम करे तो देवता अपनी तरफ खींचता था, किसी ने बुरे काम करे तो अपनी तरफ खींचता था. इसलिए इसको मंदिर के द्वारपाल, देव, दानव, जय विजय, इनके अलग अलग युगों के नाम है. ग्राउंड शुरू में बताते हैं, कहते हैं कि लाख से ग्रह ऐसे तो मेरठ बनने वाला भागवत के बीच में बताते कि लाख से ग्रह मेरठ में बनाया गया था. कि यहाँ कहीं पे भी खुदाई करो शिवलिंग या मंदिर निकलते रहते हैं. जैसे आगे एक शिवलिंग है, आगे कर लो, जैसे आगे एक शिवलिंग है, इसको कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर. यहाँ पे जब पांडव लोग अज्ञात वास में थे, तो विराट राजा के यहाँ पे नौकरी किया करते, तो उनको बैठने का आसन दिया था. इसके नीचे कहते हैं कि अगर दुनिया में कुछ ना रहा, तो इस शिवलिंग के नीचे 2.5 दिन का भोजन बताते हैं पूरे जीव जंतु प्राणियों के लिए. अब आगे एक शिवलिंग ऐसे है, जिस शिवलिंग का नाम है अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव.
उसके मात्र दर्शन करने से सारी पाप या चिंता को हरण कर लेते, अपनी ओर खींच लेता हूँ। उसको नाम है अद्भुत शिवलिंग चिंतारण महादेव। अब चलते हैं हम धर्मराज युधिष्ठिर लिंग के सामने। ये 2007 की खुदाई है, सारी खुदाई के निकले हैं 2007। अब आगे इससे थोड़ा आगे जिसको भी 20 दिन में निकले हो, वहाँ पे भी शिवलिंग निकल रही है अभी। ये एक म्यूजियम है, इसके अंदर अनेक प्रकार की मूर्तियाँ रखी गई हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ना रखी गई हैं। तो अभी भी लाइक खुदाई चल रही है? अभी भी खुदाई चल रही है ना। अभी एक्टिव साइट किधर आ गई है? आगे अभी निकला, अब थोड़ा आगे हो जाएगी। अभी बीच में कह रखे की खुदाई फिर होगी, की अगर भी सारी खुदाई होगी। अच्छा, दो हफ्ते हुए, तीन हफ्ते हुए निकले हुए ना इस शिवलिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जाके हुई खुदाई यहाँ पे। यहाँ पे एक म्यूजियम बन रहा था एक ना, इसको तोड़ रहे, यहाँ पे नया म्यूजियम बना रहे थे, तो यहाँ पे खुदाई करी गई, तो यहाँ पे सारी शिवलिंग निकली गई। इसके अंदर भी शिवलिंग, के अंदर भी शिवलिंग, ये सारी अभी निकली है अभी तीन हफ्ते पहले। तो अब यहाँ पे काम वगैरह वो हो गया, रोक दिया यहाँ पे काम ना, थोड़ा आगे कर दिया थोड़ा इसको बैकग्राउंड पे। अच्छा, काम हो जाएगा इसका। रास्ते की काली माता है, इसको कहते हैं हम चौराई। अच्छा, हमारे यहाँ पे इसको चौपाटा बोलते हैं, यहाँ से चारों रास्ते जा रहे हैं, इसलिए इसके रास्ते की काली माता कहते हैं। इसको नमन कर लो, ये रास्ते की काली माता हमारी यात्रा को सफल रखे। ऐसे होता है जैसे कोई भी स्त्री हो, उसके कभी बच्चे नहीं हो रहे, कभी माँ नहीं बन पा रही है, जब शिवरात्रि का टाइम भर मांगने आती है तो इस स्त्री की इच्छा भी प्राप्ति हो जाती है, वो अपने पुत्र को जन्म देती है। वो निधन दिखाई दे रहा है, धन की लालच में आदमी ने इसको खोदने की बहुत कोशिश करी है, जब जाके खोदा है तब जाके शिवलिंग ही निकली है। इस शिवलिंग का नाम है अद्भुत शिवलिंग चिंतारण महादेव, एकदम पारदर्शी शिवलिंग है। अस्फटिक्स बोलते हैं इसके आर पार दिखने को, अस्फटिक्स बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हमारी काली माता, इसको बोलते हैजा की काली माता। हैजा मतलब एक पहले रोग होता था, उल्टी पेचिस को हैजा रोग बोलते थे, इसी माता के दर्शन कराते थे वो हो जाते हैजा रोग, थक जाता कि पहले डॉक्टर तो वहाँ नहीं कर देते थे, तो माता के दर्शन करा देते थे। ये भोलेनाथ का डमरू है। अच्छा, ये खाली स्वागत करने के लिए बज रहा है। अच्छा, आप लोग जैसे आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए बज रहे हैं। हमने पूरा मंदिर घूमा है, यहाँ से लेकर जितने भी शिवलिंग्स यहाँ पर बेसिकली खोद के निकाले गए ओवर पास्ट सो मेनी ईयर्स। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल जगह ही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने आपने इंटरव्यू देखा ही होगा जो उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं आपको यहाँ के बारे में, काफ़ी फैसिनेटिंग है। होपफुली यू वुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग। अभी हम कुछ खाते हैं क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया है। लेट्स हेड बैक, अगर कोई इंटरेस्टिंग जगह होगी तो हम दिखाते हैं। अरफान कैसा लगा? मस्त, एकदम काम, चिल, इंफॉर्मेटिव, बहुत कुछ था सीखने के लिए। छोटे पंडित जी ने हमें काफ़ी सही इंटरव्यू दिया और हर चीज़ समझाई, हिस्ट्री के बारे में पूरे टेम्पल के। अब कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं।
केम्प्टी फॉल की साइड जा रहे हो और यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू ईट समथिंग दिस इज़ अ गुड प्लेस टू ईट अफोर्डेबल एंड इट टेस्ट गुड. इसका नाम है स्काई लाउंज एंड जो छतरी वाला बैंड है आई गेस केम्प्टी जाते हुए if you're nearby and if you want to stop by you can stop by this place very affordable price and good food aur aap yahan par you know indian chinese it's like a mixed cuisine restaurant so you can eat here. hope aap sabko aaj ka vlog acha laga hoga so we will end here agar aaj ka vlog acha laga to drop a like agar nahi acha laga to dislike no dislike and like share subscribe हमने थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर दिया वीडियो पोस्ट करने का एंड नाउ वी विल बी पोस्टिंग न्यू वीडियोस ऑन फ्राइडे एंड नॉट ऑन संडे लाइक वी वर डूइंग. सो हमको पूरा वीक मिलता है रिव्यू करने का एंड देन टू पोस्ट अ बेटर क्वालिटी वीडियो. प्लस फ्राइडे इज़ अ गुड डे टू पोस्ट वीकेंड्स पे पीपल कैन वॉच इट. So it's a good time to post. Rest, stay chill, like, share, subscribe, comment, all the good things, and hopefully see you in the next one. Peace.